సరే ఇది వెనకాల టచ్ సార్ చూసుకున్నాను కోపాలు కష్టం అవి బ్రాండ్ పడిపోయింది
ఈరోజు జగిత్యాల ఈద్గాలో పదవ తేదీ నాడు జరిగే పవిత్రమైన బక్రీద్ పండుగ సందర్భంలో అరేంజ్మెంట్స్ చూడడానికి రావడం జరిగింది. రాజు ఈ ఈద్గా మే ఆయ సార్ మేరే సాత్ ఐసా హమారా బయన్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ బోగస్ రావణ్ జీ, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్స్, ఆఫీసర్స్, వైసె ముస్లిం కమిటీ కే సదర్ బారి భాయ్, ఈద్గా సదర్ జుల్ఫే భాయ్ ఆర్ నదీమ్ భాయ్, బహుసే యా మసాజియో కే సదర్ నాయబ్ సదరా, పొలిటికల్ పార్టీస్ కే లీడర్స్, నౌజవాన్ సాధ్యం బుజుర్గం సబ్కు సలాం, పాత్రికేయులతో ధన్యవాదాలు. ये बकरीद के ईद दो दिन में आने वाले हैं. म्यूनसिपाल्टी ये बकरीद के वक्त में पूरा साफ सफाई करके ईदगाहों में जो शीला टीआर नगर वैसे ही खबरिस्ताना साफ करना, ईदगाह में भी और किले में भी टीआर नगर में टेंट्स भी डालना बोल के ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए मंजूर कराए थे. मगर एक ये बारिश का मौसम है, बारिशों के लिए हर एक किसान देखता है, सब देखता है, मगर ये 10-15 दिन से ऐसा गिर रहा है किसान भी काम नहीं कर सक रहे. ये थोड़ा ज़्यादा ही बारिश गिर रहे, आज भी यहाँ देखे तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ है. म्यूनसिपाल्टी के तरफ से साफ सफाइयाँ चल रहे ज़रूर, ये और एक 36 घंटा दिन रात जितना हो सके तो होता है एक्स्ट्रा लेबर भी लगा के साफ सफाई कराएंगे. अभी सदर मेरे से रिक्वेस्ट करे यहाँ पूरे साफ सफाई के 3-4 दिन से भी मौसम ऐसे ही है आप सबको मालूम, फिर भी अपने म्यूनसिपाल्टी के लेबर्स ये मौसम में भी काम कर रहे, थोड़ा तकलीफ महसूस हो रहे इतना बारिश में वो लोग काम कर रहे, जरूर तकलीफ है तो भी जो बोले तो मुसलमानों को दो ही ईदा बड़े ईदा रहता है, एक है रमज़ान दूसरा है बकरीद, सरकार का भी फर्ज है, फर्ज है आपको पूछने का हक है, ये फर्ज है,
हम भी एक काम करना है, हम खिदमत करने के लिए इसमें आए, जरूर आज और कल माई चेयरमैन मैडम पूरे तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिए, जैसा हर एक साल कर रहे अपन करेंगे, मगर नेचर के अगेंस्ट तो अपन नहीं जा सकते। जो बारिश अगर ज़्यादा गिरे तो आपको ईद के वक्त में बहुत बार थोड़ा बारिश ज़्यादा है तो नमाज मसाजियों में घरों में पढ़ना हुआ, फिर भी अपन अल्लाह से दुआ करेंगे बारिश एक दो दिन के लिए रुक गया तो अच्छा है। किसानों में भी वही दुआ कर रहे, गांव में दो दिन रुक गए तो ही थोड़ा सूख जाते, इतना इसको बोल के सोच रहे किसानों भी, तो दो दिन रुक गए तो ही अच्छा रहता बोल के मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करिए ज़रूर। या जो भी आपको हर साल जो कर रहे उससे थोड़ा बेहतरीन करने के लिए हम कोशिश करें। आप देखें रमज़ान के वक्त हर एक साल से पहले ज़्यादा, हर एक साल से ज़्यादा हम पैसे लगाए थे, पूरे इवन हम अमीनाबाद में भी इंतजाम करें, अमीनाबाद में भी इंतजाम करें। तो मैं पूरे हमारा मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को, हम लोग सब सुबह मीडिया की तरफ से मीडिया के सामने बैठ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ज़रूर हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं।